मेरे पाकिस्तानियों, जो हमने आपसे वादा किया कि कोरोना के दिनों में आपके पास रेगुलरली आएंगे आपको अपडेट्स देने के लिए कि अभी तक हालात क्या हैं, बीमारी के क्या हालात हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम फिर मेरी टीम मेरे साथ बैठी हुई है और बारी बारी ये सारे आपको अपने एरियाज़ के अंदर बताएंगे कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ है। मैं आप सबको शुरू में बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा सिचुएशन है क्या। अल्लाह का करम है कि जो हम समझ रहे थे कि जितने ज़्यादा आज 30 अप्रैल को केसेस होने चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेज़ी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। और ये एक तो हमने बड़ा पहले शुरू किया, जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया, और दूसरा अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया, और उसकी वजह से आज बाकी दुनिया का अगर आप देखें और उससे पाकिस्तान का मुआवजना करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। हम जो समझ रहे थे एक वक्त पे कि अप्रैल के आखिर तक हमारे हॉस्पिटल में भरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स जितने पाकिस्तान में अब तक हैं, एक वक्त पे ये सोच थी कि ये सारे वेंटिलेटर्स भरे होंगे, तो और वेंटिलेटर्स का मतलब कि जो है इंटेंसिव केयर में जो थोड़े से कोरोना के मरीज़ जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो हम ये समझ रहे थे कि वो इतने ज़्यादा होंगे कि जितने भी हमारे इंटेंसिव केयर के जो हॉस्पिटल में यूनिट्स हैं वो भरे हुए होंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो बाकी दुनिया से आप सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या हालात हैं, उनके तकरीबन जो आखिरी मैंने देखा था 60,000 लोग तक मर चुके थे, और दो तीन यूरोपियन ममालिक में 20,000 लोग अब तक मर चुके हैं। मेरी कल प्रेसिडेंट रूहानी, ईरानी सदर से बात हुई, और उनकी हमारे खित्ते में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो जानी नुकसान हुआ, वो ईरान में था। उनके तकरीबन 5,500 या 6,000 के करीब उनकी फौतगियाँ हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन थी। तो उनसे भी मेरी बात हुई, आज मेरी प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उनसे भी बात हुई। तो मैं ईरान का आपको बता दूं कि ईरान के अंदर उन्होंने फैसला किया है अब कि सिर्फ वो बड़ी गैदरिंग्स यानी शादियां, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इनको उन्होंने बंद रखा है, रेस्टोरेंट्स बंद रखे हैं, बाकी उन्होंने फैसला किया है कि सारा कारोबार वो अपना चला दें ईरान के अंदर। और उसकी वजह यह है कि वो भी जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनको भी ये खौफ है कि कोरोना से हम लोगों को बचाते बचाते बाकी मुल्क के अंदर जो उनका ये ख्याल है कि वो कोरोना से भी ज़्यादा है, तो लिहाजा उन्होंने अपने सारे बाकी कारोबार सारा उन्होंने फैसला किया चलाने का। मिस्र के अंदर उन्होंने पहले दिन से फैसला किया कि वही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े जिधर भी इज्तमा हों उनको तो उन्होंने बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उन्होंने भी अपने जो जिधर ज़्यादा उनके दिहाड़ीदार जो मज़दूर काम करते थे वो उन्होंने पूरी कोशिश की खुले रहने की, जो उनके बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो चलने दिए, कंस्ट्रक्शन चलने दी मिस्र के अंदर, और उनका भी हमारा तरह का ही अब तक अगर मिस्र और हमारा देखें तो एक ही है, हमारे जितने भी अमवात हुई हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं, और उनके भी माशी हालात हमारी तरह के थे, बुरे थे, उन्होंने भी बाहर से कर्ज़े लिए हुए थे। तो उनसे फिर हमने जो बातचीत की तो हमारा जो लॉकडाउन था उनसे ज़्यादा सख्त था, लेकिन उसके बावजूद जो जितनी अमवात हुई वो तकरीबन एक ही हैं, और आगे हमने सोचा कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि आज कोई भी नहीं कह सकता कि ये कितनी देर तक चलेगा। अगर एक अगर आज थोड़ा कंट्रोल भी कर लें तो ये आगे नहीं कोई कह सकता कि एकदम फिर से एक स्पाइक ना आ जाए कहीं जाके। 6 महीने चलेगी, साल, कोई कहता है, तब तक सारी दुनिया को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं निकलती कोरोना वायरस के इलाज के लिए। मैं अब आपको वो जो हम अब तक कर कह रहे हैं, क्योंकि हम सबको पहले दिन से एहसास है, मेरी टीम को पूरी तरह एहसास है कि जो दिहाड़ीदार और जो हमारे मज़दूर और जो हमारे वेटर्स जो रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, जो हमारे टैक्सी वाले, जो रिक्शा वाले, हम सबको ये एहसास था कि जब लॉकडाउन होगा तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर ये तबका होगा। तो उसके लिए पहले तो हमने ये इमरजेंसी एहसास प्रोग्राम किया, जिसकी मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर सानिया निश्तर को मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। कहीं भी दुनिया के अंदर इस तरह इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और मुस्तहिक लोगों को कहीं भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो कि इस प्रोग्राम के तहत किया गया। ये वाकई एक पाकिस्तान के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, मैं समझता हूँ बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा प्रोग्राम आया जिसने पहले तो कोई इम्तियाज़ नहीं किया गया, कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ देखा गया डेटा के तहत कि कौन गरीब तबका था उनको पैसे पहुँचाए गए। ये नहीं देखा गया कि कौन सा हमारा तहरीक इंसाफ का सूबा था या कौन सा हमारा मुखालिफ था। सिंध के सूबे को सबसे ज़्यादा पैसे गए एहसास प्रोग्राम से, और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मुझे खुशी ये हुई कि बहुत जो मुश्किल वक्त में हमारे नीचे लोग हालात में थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उन तक पैसा पहुंचा। अब तक 66 लाख ख़ानदान तक पैसा पहुंच चुका है, 66 लाख ख़ानदान तक, और अब तक हमने पैसा खर्च किया 81 अरब रुपया अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान तक इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन तक पहुंच जाएगा। और दूसरा जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो जो मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है। अब जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है, मैंने फ़ैसला किया था कि ये जो पैसा है ये सिर्फ हम उन लोगों के लिए रखें जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं। तो इसमें हमने एक बड़ी सोचा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं इतने ज़्यादा लोगों तक जो बेरोज़गार हुए। इसके हमने दो तरीके निकाले हैं। एक तो हम एक फिर SMS कैंपेन शुरू करेंगे जिसमें लोगों को ये सबूत देना पड़ेगा कि ये बेरोज़गार हुए हैं, उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि किस तरह उनसे उनको सबूत देना पड़ेगा कि उनकी बेरोज़गारी का। तो उससे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में आप पैसा देते हैं, 1 रुपया जो मैं खर्च करूँगा इन लोगों की, ये जो बेरोज़गार लोग हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, वो 4 रुपया देगी उस वक्त। तो जो हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपये उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और इसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक तो SMS के ज़रिए हम लें, जो लोग मुस्तहिक हैं वो हमें SMS कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी टाइगर फोर्स है, इनको हमने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल तक ये जाके अपना एक डेस्क रखें उस यूनियन काउंसिल में, और ख़ुद जाके देखें कि कौन कौन से लोग बेरोज़गार हुए हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो सामने नहीं आना चाहेंगे, तो क्योंकि वो हर यूनियन काउंसिल में जो भी हमारे टाइगर्स होंगे वो वहाँ के जो इमाम मस्जिद होंगे उनसे, जो भी जो ज़कात देते हैं, यानी उनसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और पता चलाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो मुतासर हुए हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि इसमें कई सफ़ेद पोश हैं जो सामने नहीं आना चाहते, वो हमारे खुद जाके लोग लोकेट करेंगे, वो फीड करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो नादरा के डेटाबेस से
देखेगा कि वाकई ये मुस्तहक है या नहीं, और उसके बाद फिर ये जो मेरा फंड है इसके ज़रिए हम उनको पैसा पहुँचाएँगे। हमाद अज़र इसकी आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे कि हम इसके ऊपर और भी जो हम कर रहे हैं, एक स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आए हैं, तो उसकी अभी डिटेल्स हमाद अज़र देंगे। और मैं आपको भी मुबारक देता हूँ हमाद, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के ये प्रोग्राम लेके आए हैं। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मोईद आपको बताएं, एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और समझ आती है कि वापस आना चाहते हैं आजकल, कई जगह उनकी, कई हमारे मजदूर हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं, वो वापस आना चाहते हैं, कई जगह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने मोहित को कहा कि पूरी डिटेल्स दें, क्या हमें मुश्किलात आ रही हैं इसमें। मैं चाहता हूँ कि कौम को पता चले कि हाँ, गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन इसमें कई मुश्किलात आती हैं कि क्यों हम उनको वापस नहीं ला सकते। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। जो हमारा मजदूर काम करने जाता है, ये हमारा VIP है इस मुल्क का, क्योंकि इनके पैसे के ऊपर, इनकी रिमिटेंसेस पे पाकिस्तान आज तक चल रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इनका ध्यान रखें। और मैं एम्बेसीज को भी मैसेजेस दी हुई हैं कि जितनी भी हमारी बाहर एम्बेसीज हैं, ये ख़ास तौर पर हमारे जो ये मुश्किल वक्त में इस वक्त पाकिस्तानी हैं, इनका ध्यान रखें। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एम्बेसीज पे बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, और हमारी जो लिमिटेशंस हैं, क्या वजह है कि हम इन लोगों को यहाँ नहीं ला सकते। मैं ये चाहूँगा कि मोहित आप इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल, पहले आप सिर्फ ये एक ओवरव्यू दे दें इसका, कोरोना वायरस का, कि ये दुनिया की ट्रेंड्स जो आप फॉलो करते हैं। डॉक्टर फैसल का काम है कि वो सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ, सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके हर रोज डेटा एनालाइज करते हैं पाकिस्तान की, प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, हम पूरी तरह इन डॉक्टर से डेटा लेते हैं और इनसे पूरी एडवाइस लेके इनकी एनालिसिस के ऊपर फिर हम फैसले करते हैं, जो कि हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जो असद उमर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो हर रोज़ इसको डिस्कस करते हैं और फिर हर रोज़ हम जायज़ा लेते हैं कि हमें अब आगे कैसे चलना है। तो डॉक्टर फैसल को मैं कहूँगा बात करें, और फिर डॉक्टर ज़फ़र आपने भी फिर वो जो आपने भी पॉइंट स्ट्रेस करना है कि इस वक्त के ऊपर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनके लिए कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हम काफ़ी चीज़ें अब पाकिस्तान में हमने बनानी शुरू कर दी हैं। मैंने आज देखा सुबह, हमने बहुत जो सबसे बड़ा दुनिया में शॉर्टेज थी वेंटिलेटर्स की, हमने आज सुबह देखा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वेंटिलेटर्स उन्होंने बनाना शुरू किया और बड़े सस्ते दुनिया के मुकाबले में। फिर वो जो PPEs हैं, जो डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव क्लोदिंग है, वो सारी उसके लिए वो भी बनानी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। फिर कई चीज़ें तो हम सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट करें, हम इतनी ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसकी भी ये डॉक्टर ज़फ़र आपको बाद में बात कर देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि असद प्लीज़ आप ज़रा शुरू करें ओवरऑल। बता रहे थे अभी कि 2 पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनके अंदर इस बीमारी का जो असर हुआ है वो उससे मुख्तलिफ है जो हमने यूरोप के अंदर देखा या अमेरिका के अंदर देखा। और जब ये बीमारी शुरू हुई, फैलाव शुरू हुआ, तो क्योंकि एक नई चीज़ थी, तो उस वक़्त कोई आपके पास ज़मीनी हकायक अपने मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो आप उसी बुनियाद के ऊपर फैसले कर रहे थे कि जो दूसरी दुनिया के अंदर हो रहा था या जो एक मॉडलिंग की जा रही थी थ्योरेटिकल एक बुनियाद के ऊपर, पुरानी अपनी जो लर्निंग से उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और अब इस वक्त हम तकरीबन 2 माह हो गए हैं पाकिस्तान में पहला केस आने के बाद, 2 माह से ज़रा आधा का अरसा गुजर गया है, तो अब हमारे पास अपनी ज़मीनी हकायक आना शुरू हो गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपने फ़ैसले कर सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे अभी वज़ीर आज़म बता रहे थे कि बहुत तफसील के अंदर से जायज़ा लिया जाता है, वो टीम्स जो ये मॉडलिंग कर रही हैं और वो हमें गाइड कर रही हैं और ये मदद कर रही हैं हमारी,
कि हम ये फैसला कर सकें कि जो सेहत के हालात हैं वो आज से 15 दिन के बाद या एक माह के बाद क्या सूरत हाल होगी, उसके आगे क्या होगा। तो उसमें एक से ज़्यादा टीम है और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है जिस तरीके से भी वज़ीर आज़म ने बताया कि वो इक्विपमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान के साइंसदानों ने, जो इंडस्ट्री के इदारे हैं उन्होंने मिलकर जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, इसी तरीके से अगर आप इस फील्ड के अंदर भी देखें, जो हमारे एपिडीमोलॉजिस्ट हैं, हमारे डेटा साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ के लोग जो हैं वो इसके अंदर काम कर रहे हैं। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान के बाहर अमेरिका में और यूरोप के अंदर जो है वहाँ पर भी एडवाइस कर रहे हैं। तो इन टीमों की मदद से जो सूरत हाल हमारे सामने आई है उसमें जो पहले के अंदाजे थे, अगर जो बिल्कुल शुरू शुरू के अगर आपको याद हो जो अंदाजे थे, वो तो ऐसे लगता था कि अब तक सूरत हाल जो है बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगी, और कुछ तो मॉडल ऐसे थे जिसमें लाखों अमवात की भी बात की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो सूरत हाल है वो हमने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अमवात के अंदर, केसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है, अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। अमवात का खसूसी तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि जो हम उसको देखते हैं, जिस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, तो हमने अभी तक जो पैटर्न देखा है वो ये है कि हर 10 से 12 दिन के साइकिल के अंदर एक लेवल के ऊपर अमवात चल रही होती हैं, जो पहले जो है वो 1-2 थे, फिर 5-7 हो गए, फिर अभी जो पिछला 10-12 दिन गुजरे आज से 2-3 दिन पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15-16-17 के करीब औसत चल रही थी, और उसके बाद वो स्टेप चेंज आती है। तो अभी एक और हम स्टेप चेंज देख रहे हैं, पिछले 3 दिन के अंदर अगर हम औसत देखेंगे तो वो तकरीबन 21-22 अमवात रोज़ाना की बुनियाद पर बन रही हैं। बट लेकिन जैसे आपने देखा कि वो काबू से बाहर होने वाली बात नहीं, इसी तरीके से वेंटिलेटर्स के ऊपर जो हमारे मरीज़ हैं अस्पतालों के अंदर, वो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो गया वो 50 और 60 के दरमियान और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आज की सूरत हाल नहीं देख रहे बल्कि ये भी देख रहे हैं कि ये सूरत हाल आगे कैसे जाएगी। उसमें ख़राब खबर ये है कि हमारी जितनी भी तज़िया हो रहा है उसके मुताबिक आगे अमवात के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ हमें सामने नहीं नज़र आ रही कि जिस तरीके से हमने दूसरे ममालिक में देखा, उस लेवल के ऊपर जो है वो हमें हालात ख़राब होते हुए नहीं नज़र आ रहे। एक तो ये हकीकत है, दूसरी हकीकत जो है जिसको हमें सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं वो माशी हालात हैं, और वो माशी हालात भी 2 मुख्तलिफ लेवल के ऊपर हैं, 2 मुख्तलिफ सतह के ऊपर हैं। एक तो वो कि हुकूमती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है, जो रेवेन्यू हुकूमत लाती है, जो हुकूमत को महसूलात मिलते हैं जिससे वो पूरा मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, जिससे तमाम जो है वेलफेयर का काम भी है वो भी उसी के ज़रिए होता है, तरक्याती मंसूबे भी उससे होते हैं, तो उसके अंदर आपको तकरीबन 30 से 35% की कमी नज़र आ रही है जो कोरोना के आने से पहले की सूरत हाल थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अहम है वो ये कि एक इंफरादी सतह के ऊपर पाकिस्तान के एक गरीब शख्स के साथ या पाकिस्तान के एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ, पाकिस्तान के सफ़ेद पोश के साथ क्या सूरत हाल इस वक्त है। अभी एक इदारे ने एक सर्वे किया था, पाकिस्तान के अंदर भी किया और वो तमाम दुनिया के अंदर भी किया, और उस सर्वे ने भी वही दिखाया जो इस वक्त आलमी कई जो हैं रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं आलमी इदारों की, और वो ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, और पाकिस्तान उन 10-15 ममालिक के अंदर उसका जिक्र किया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर जो माशी बोझ पड़ा है, और किसके ऊपर, दोबारा गरीब के ऊपर, सफ़ेद पोश के ऊपर, मुतवस्सित तबके के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ों को साथ रखते हुए हम आगे अभी जो फैसला साजी करने जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए फैसले करेंगे। एनसीसी का आज मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि पीर या मंगल को वो इजलास बुलाएंगे जिसमें तमाम सूबाई वज़ीर आला भी होंगे, वज़ीर आज़म चेयर करेंगे उसको, और उसके अंदर हम जो अभी तक हमने फैसले किए हुए हैं वहाँ से आगे चलने की, अभी हमने 9 मई तक का आपको फैसला किया हुआ था जो तकरीबन निस रमज़ान तक का है, वहाँ से आगे हमने किस तरीके से चलना है वो उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। और उम्मीद ये है कि अगर पाकिस्तानी जिस तरीके से मुआवनत करते रहे हैं,
अगर उसी तरीके से, और मेरी तो दरख्वास्त होगी कि उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो आपको आप अपने दरमियान लोग बेएहतियाती करते हुए नज़र भी आएँ, उनसे भी दरख्वास्त करें कि अगर वो एहतियात करेंगे तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए आसानी का रास्ता तलाश किया जा सकता है, लोगों की जो बंदिशों की वजह से रोज़गार का नुकसान हो रहा है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अगर मदद साथ रही, अल्लाह ताला ने करम किया, तो उम्मीद हमारी यही है कि अगले हफ्ते जब हम फैसले करेंगे तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल, मैं चाहता हूँ कि पहले ज़रा आप ओवरव्यू दे दें जो डिज़ीज़ का, फिर डॉक्टर ज़फ़रा। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने बताया, हम रोज़मर्रा की बेसिस पे, बल्कि दिन में कई दफ़ा जो दुनिया भर से अदाद शुमार आते हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के से हमें अदाद शुमार मिल रहे हैं उन पे नज़र रखते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से उनके ज़रिए कुछ आइंदा आने वाले दिनों के बारे में कुछ तज़िया करते हैं और तखमीना लगाते हैं ताकि जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो उसकी रोशनी में किए जाएँ। उसके मुताबिक अभी तक जो चीज़ हमें सामने आ रही है, और अब हमारे अपने पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतनी उनकी तादाद है कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ये वैलिड हैं और इससे अच्छे नतीजे या वाज़े नतीजे निकाले जा सकते हैं। जैसे असद उमर साहब ने फरमाया, ना सिर्फ के नए केसेस का तज़िया होता है बल्कि अमवात और वो तमाम लोग जो वेंटिलेटर्स में हैं और उनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, कितने बेहतर हो रहे हैं और खुदा न खास्ता कितने जो हैं वो अपनी जान से जान ज़ाया जिनकी हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने के बाद हमें एहसास ये हो रहा है कि इस वक्त कम अज़ कम उस तरह की तेज़ी इस एपिडेमिक में नहीं जैसे कि बहुत से मगरबी ममालिक में हमें देखने में नज़र आई, जैसे यूरोप में या अमरीका में। इसका लेकिन ये मतलब नहीं कि हम एहतियात छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम मैसेज, और असद साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो ये है कि हालांकि उन सब ममालिक की नस्बत हमारे अदाद शुमार कम हैं, लेकिन चूंकि अपने माशी सिस्टम को, अपने मुल्क के निज़ाम को और सारे सारे वेलफेयर स्टेट के तौर पे सोचते हुए हमें बहुत सारे इकदाम करने पड़े, जिसमें हमने बिजनेसेस और कारोबार खोले। इस सारी स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने के लिए बहुत अहम है कि हम तमाम लोग, हर फर्द इस मुल्क का जो है, वो अच्छी चीज़ें, वो अच्छी आदत जो हमने सीखी हैं, जिसमें हाइजीन है, जिसमें एहतियात है, जिसमें अगर खांसी है तो अपने आप को कवर करें, बेजा क्राउड्स और भीड़ में मत जाएं और बेजा भीड़ बनाने की कोशिश भी ना करें, ये तमाम चीज़ें जो हमने सोची हैं इसके ऊपर हम लगातार अपनी नज़र रखें और इनको, अच्छी आदत को ना छोड़ें। ये जो हमारी आगे आने वाली स्ट्रेटजीज़ हैं, इसकी कामयाबी जो है इस पर बहुत हद तक मुनसर है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम बतौर पाकिस्तानी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि हमने अपना भी ध्यान रखना है और अपने गिर्द के लोगों का भी ध्यान रखना है, तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो रिलैक्सेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस में कमी है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। शुक्रिया। और डॉक्टर ज़फ़र, आप प्लीज़। शुक्रिया साहब, जैसा कि कहा गया और वज़ीर आज़म साहब ने भी शुरू में फरमाया कि पाकिस्तान में जो तखमीने थे हमारे, उसकी नस्बत केसेस भी कम हैं और अमवात भी कम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ईरान का ज़िक्र किया, तो मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे आज के अदाद व शुमार हैं, ईरान में अगर 5,500 के करीब डेथ्स हुई हैं राउंड अबाउट, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में अब तक जो है वो 346 सिर्फ डेथ्स हुई हैं, और ये हमारे अपने तखमीने से भी कम हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि साथ साथ लोग रिकवर भी कर रहे हैं, जहाँ क्योंकि ये बीमारी इस तरह है कि तकरीबन 80-85% लोग जो हैं उनको तो मामूली से दरमियाने दर्जे की बीमारी होती है, तो पाकिस्तान में जो अब तक 15,800 के करीब जिन लोगों में कन्फर्म्ड ये डिज़ीज़ आई है, उनमें से 4,000 से ज़ायद लोग जो हैं मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगियों में वापस मसरूफ़ कार हैं। पिछले 24 घंटे में 874 लोगों का इजाफा हुआ है कन्फर्मेशन के हवाले से, तो ये कुछ मोटे मोटे अदाद व शुमार थे। मैं दो चीज़ों का और जिक्र करना चाहता हूँ, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि हमारी हुकूमत की, वज़ीर आज़म साहब की बहुत बड़ी तशवीश ये है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के, उनकी निगहदाश्त पे मामूर हैं, तो वो ख़ुद को अपने आप को ख़तरे में डाल के ये काम करते हैं। लिहाजा
اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرح جو ہے 10-11% سے زیادہ ان کو انفیکشنز ہوئی ہیں. پاکستان میں یہ شرح بہت کم ہے, لیکن بہرحال یہ تشویش کی بات ہے. تو اس کے لیے ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گا, اور یہ جو صوبائی حکومتوں کی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں دو وجوہات کی بنیاد پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. اب دستیابی کا مسئلہ نہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے باہر سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بہت ساری پروکیورمنٹ کی, اور دوسرے یہ N95 کے علاوہ تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے, اور N95 بھی اگلے ہفتے 10 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور لہٰذا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے. اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ NDMA نے ایک خصوصی سسٹم اختیار کیا ہے کہ جس کے تحت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ تمام بڑے ہسپتالوں میں براہ راست پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا اب آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں ملتی, بلکہ ایشو جو اب ہے وہ یہ کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ اس کا کافی اریشنل یوز بھی ہو رہا ہے. تو ہم جو قومی پروگرام جس کی میں نے بات کی اس میں ان تمام پہلوؤں کے اوپر کام کر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ان کو سپورٹ بھی دی جائے گی, اور جس میں کہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ لانچ ہوا اس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر کیا. ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 17,000 سے زیادہ اس میں ولنٹیئرز جو ہیں ان کا صحت یا طب کے شعبے سے تعلق ہے. وہ سارے ڈاکٹرز نہیں لیکن نرسز بھی ہیں ان میں پیرامیڈکس بھی ہیں. تو ابھی ہم نے ان کو ایک نیا کوشچنئر بھیجا ہے ان سے 17,000 سے زیادہ لوگوں کو کہ اور ان سے ہم نے ان کی ترجیحات معلوم کی ہیں, ان کی اسپیشیلٹیز معلوم کی ہیں, تاکہ پھر ہم ان کو ایسے کاموں پہ مامور کر سکیں ان کے اپنے علاقوں میں, ان کی اپنی یونین کونسلز میں, ان کی اپنی تحصیلوں میں, کہ جہاں وہ جو ہمارے ٹریسنگ ٹریکنگ اور کوارنٹائن کا جو پروگرام ہے, جہاں پہ لوگوں کو ہاؤس آئسولیٹ بھی کرنا ہے, کوارنٹائنس میں بھی رکھنا ہے, یا جو روٹین کی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان علاقوں میں, تو ان میں پھر ہم ان کو یہ ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اس کام میں شامل کر لیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ کوشچنئر موصول ہوا ہے تو پلیز اس کو بھر کے ہمیں بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا میں اب چاہوں گا کہ ثانیہ آپ جو اب تک احساس کا پروگرس ہے کدھر تک پہنچے پلیز وہ بتائیں. وزیر اعظم صاحب, آج احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا 22واں دن ہے اور اب تک 66 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے, 12,000 روپے فی خاندان. 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں. یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے, ضلعوں میں کتنی جا رہی ہے, تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے, ہر صوبے میں, ضلع میں, تحصیل میں کتنے حقدار ہیں, ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی بھی ہے جو کہ pass.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں, اپنا صوبہ یا اپنا ضلع سلیکٹ کر کے تحصیل سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں, ان کو کتنی رقم کی ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں, کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں, کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں. شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً 10 دن پہلے شائع کر دی تھی. میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ہماری 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں رقم کی ترسیل جو ہے
वो तकरीबन पूरी हो गई है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अभी रकम की जो तकसीम है अभी जारी है, और इस दूसरी कैटेगरी में तमाम वो लोग हैं जो कि 8171 की SMS स्कीम के नतीजे में डेटा की जांच पड़ताल के नतीजे में हकदार ठहराए गए हैं। फ़िलहाल पूरे मुल्क में गिलगित से लेकर कराची तक 10,000 कैंपों में, सेंटर्स में, बैंक ATMs पे इन लोगों की को रकम की तरसील इस वक्त जारी है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें हमें दुश्वारियां भी सामने आ रही हैं। रोज़ाना 5 बजे हम मीटिंग करते हैं अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ, अपने फील्ड ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि हम इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि कहाँ लिक्विडिटी का मसला आया, यानी कि पैसे की तरसील का मसला कहाँ आया है, कहाँ हमें कनेक्टिविटी का मसला आया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ इंटरनेट के ज़रिए पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से होती है, डिजिटल सिस्टम से होती है। अंगूठे लगा के आप पैसे लिए जाते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा अमल दखल है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम जायज़ा लेते हैं कि कहाँ मसाइल आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या हमने करना है। जो लॉजिस्टिक मसाइल आ रहे हैं उनका भी रोज़ाना हम जायज़ा लेते हैं, और जो बदअनवान अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरा जो हुकूमती निज़ाम है वो बहुत ही मुतहरिक है। रोज़ाना की बुनियाद पर FIRs भी होती हैं, लोगों को जेलों में भी डाला जाता है जो भी इन मासूम लोगों की पैसों में कटौती करते हैं। पाकिस्तान की टेलीविज़न की तवस्सुत से मैं लोगों को ये भी दो ज़रूरी ऐलानात आप तक पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि दो चीज़ों की लिहाज से लोगों के बहुत सवाल होते हैं। पहले तो ये कि ये कब ख़त्म होगा, और जिन लोगों को वो मैसेज आया हुआ है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है उनको हतमी SMS मैसेज कब मिलेगा। तो मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगले 10 दिन में आपको हतमी मैसेज ज़रूर मौसूल होगा, नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जब वो जाते हैं सेंटर अपने पैसे निकालने तो उनके अंगूठे काम नहीं करते। ये तमाम नए हकदार लोग हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी नादरा के दफातर में उनके अंगूठों के निशान की जो वेरिफिकेशन है तो वो दोबारा से होनी है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है, नादरा के दफातर कल से बतदरीज खुलते जा रहे हैं, और जिन लोगों को भी ये शिकायत आएगी उनको नादरा के दफातर में उनकी अंगूठों की वेरिफिकेशन के बाद रकम की तरसील में आसानी आएगी। इसी से एक और मुंसलिक बात, जो नादरा के दफातर से मुंसलिक बात है, वो ये है कि कुछ ऐसे हकदार ख़ानदानों में जिनमें सरबराह की वफ़ात हो चुकी है और सरबराह की वफ़ात का इंदराज नादरा के डेटाबेस में नहीं हुआ, उनको रकम की हसूली में मुश्किलात हैं। हमें मालूम है कि उनको मुश्किलात हैं, मगर उनको भी नादरा के दफातर में जाके और डेथ रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ताकि उनके ख़ानदानों में जो दूसरे हकदार लोग हैं उनके CNIC पे रकम की तरसील का मैसेज उनको मौसूल हो सके और हम उसकी ऑथराइजेशन अपने बैंकों को जारी कर सकें। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जब तक आपको हमारी तरफ से तारीख वाला हतमी मैसेज ना आए, क्योंकि हम तरफ से एहसास की तरफ से जिन ख़ानदानों की निशानदेही हो जाती है कि वो हकदार हैं उनको एक आखिरी हतमी मैसेज आता है जिस पे ये लिखा होता है कि आप अपनी रकम इस तारीख को जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार सेंटरों में जाएंगे तो वहाँ बहुत लाइनें, गैर ज़रूरी लाइनें लगती हैं, और COVID-19 के तनाजुर में हम वो लाइनें हर सूरत में कम रखना चाहते हैं, समाजी फासले को हर सूरत में मलहूज रखना चाहते हैं। तो मेरी दोबारा आपसे गुजारिश होगी कि जब तक आपको एहसास की तरफ से 8171 से SMS ना आए तब तक आप लाइनों में ना लगें, और इस बात को का ख़ास ख्याल रखें कि 8171 का मैसेज ही हमारी तरफ से होता है, क्योंकि इस वक्त बहुत से फेक मैसेजेस जो हैं वो भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं और आपके टेलीफोन्स तक पहुंचेंगे। तो धोखे में ना आइए, सिर्फ 8171 के मैसेज पे ही, तारीख वाले मैसेज पे अपने पैसे लेने जाइए। शुक्रिया सानिया, मैं ख़ास तौर पे आपको
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے میں کبھی بھی پاکستان میں اس طرح بلکہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہو. مجھے یہ خوشی اس کی اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک پاکستان کو انشاءاللہ ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور فلائی ریاست کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے پیسہ دینے کا, یہ انشاءاللہ آگے ہمیں بڑی مدد کرے گا کہ ہم کیسے ایک سارے ملک کو میپ کریں, ملک کے مستحق لوگوں کو ہم پاس ہمارا ڈیٹا ہو اور ہمارا مسلسل کوشش ہو کہ ان لوگوں کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں. اور یہ چائنا اگر آج ایک عظیم ملک بنائیں تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا اور تب وہ ایک عظیم ملک بنا. حماد عزر, میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا پروگرام بنایا. وزیر اعظم صاحب, ہمارا جو پروگرام لانچ ہوا ہے جس کی دو دن پہلے کابینہ نے منظوری دی ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج, اور اس پیکیج سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے. 50 ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے, اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار جن کا 5 کلو واٹ اور 70 کلو واٹ تک کا صنعتی کنیکشن ہے, 5 کلو واٹ کا کمرشل اور 70 کلو واٹ کا صنعتی کنیکشن, حکومت پاکستان جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے 3 ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی. ان کی پچھلی کنزمپشن ہسٹری یعنی کہ ان کی پچھلی جو کھپت ہے بجلی کی اس کو دیکھ کے 3 ماہ کا جو کریڈٹ ہے, 3 ماہ کی جو رقم ہے ان کے آنے والے بل میں, اگلے بل میں جو اگلا بل آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر جمع کرا دی جائے گی, اور وہ یہ رقم اگلے 6 ماہ میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. 5 کلو واٹ کے جو کمرشل کنیکشن ہے, 95% کمرشل کنیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں, وہ مستفید ہوئیں گے. 80% جو پاکستان میں صنعتی کنیکشن ہیں وہ 70 کلو واٹ کے ہیں, وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا تمام انتظام کر لیا گیا ہے, اور اگلا انشاءاللہ تعالی جو بل آپ کو مئی کے مہینے میں موصول ہوئے گا اس میں آپ کو آپ کے 3 ماہ کے بجلی کے بل کی کھپت کے لیے جو رقم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا وزیر اعظم کا کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں مزدور کا احساس پروگرام کے ساتھ, اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی 1 روپیہ دے گا, یا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں دیتا ہے تو حکومت پاکستان اس 1 لاکھ کے بدلے میں 4 لاکھ روپے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ساتھ ڈپازٹ کرائے گی. اور اس پیسے کا ہم کریں گے کیا, یہ رقم استعمال ہوئے گی ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے, جو لے آف ہو گئے ہیں, جس میں دہاڑی کے مزدور شامل ہیں, ملازمین شامل ہیں جو مختلف صنعتوں میں, کاروباروں میں, دکانوں میں کام کرتے تھے, اور ان کے لیے ایک علیحدہ پورٹل بنایا جائے گا احساس کے انڈر, اور وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کرائی جائے گی, اور ہفتے والے روز جب وزیر اعظم یہ پیکیج اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلات بھی دی جائیں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار مزدور ہیں, جو بے روزگار افراد ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے. شکریہ. جی شکریہ حماد. میرے پاکستانیوں, آخر میں دیکھیں ساری دنیا کے اندر کرونا کا امپیکٹ پڑا ہے, زیادہ تر آپ نے امیر ملکوں کا دیکھ لیا, امریکہ کیا کر رہا ہے, کتنے انہوں نے پیسے اب تک ریلیف پیکج دیے ہیں. ان کے لیے آسان تھا بے روزگاروں کو پہنچنے کے لیے, کیونکہ ان کے سارے جو بے روزگار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, ان کے ان امپلائمنٹ بیورو جو ہے وہ سیدھی طرح رجسٹر کرتا ہے, اور اس کے ذریعے حکومت کے لیے بڑا آسان ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں سیدھے چیک بھیج دیں. ہمارے جیسے ملک میں, پاکستان میں, جدھر زیادہ تر ہمارا جو مزدور ہے, جو دہاڑی دار ہے, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تقریباً 75% سے کوئی کہتا ہے 80%, اس کے بیچ میں وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, جو عام چھابڑی لگاتے ہیں, یہ سب لوگ متاثر ہیں. تو اس لیے ہماری جو میری گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی شروع میں کہ جیسے ہی یہ جب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو سارا ہمیں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ کا تو اور پرابلم تھا, ان کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے, اور ان کے پاس اپنے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں,
क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो ये बहुत एक हमें खौफ आ रहा है कि क्या हो रहा है उस घर में जिधर एक सारा दिन काम करके एक छाबड़ी वाला या एक दिहाड़ीदार अपने बच्चों का पेट पालता है, वो अगर बेरोज़गार हो जाता है और एक हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते, तो उनके लिए तो उनके पता नहीं आया, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। लिहाजा ये पहले तो एहसास कैश प्रोग्राम है, उसके बाद ये जो हमने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं हफ्ते को अनाउंस करूँगा और इसकी तफसील आपको दूँगा, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कोशिश ये है कि जो लोग बच जाएँ, 1,20,00,000 खानदान को इमीजिएटली इंशाल्लाह जो कैश पहुंच जाएगा, ये जो हमारा 12,000 का प्रोग्राम है, तो जो बच जाएंगे इंशाल्लाह वो जो हम अब रजिस्टर करेंगे सैटरडे से शुरू करेंगे, और फिर जो हमारे ये टाइगर फोर्स है ये हर यूनियन काउंसिल में जाके डेस्क रखेगी, वह रजिस्टर्ड करेगी उन लोगों को, और उनमें से कई सफ़ेद पोश भी हैं जो मुश्किल में हैं, उनको रजिस्टर करेगी, और फिर हमारी पूरी कोशिश है कि एक आप जो मुझे फंड्स देंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ ये कोरोना रिलीफ में, एक वो एक रुपया अगर वो आएगा इनको देने के लिए बेरोज़गारों को, तो 4 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी उसके साथ, सो 1,00,000 अगर वहाँ से आएगा तो 4,00,000, 5,00,000 हमारे पास हो जाएगा पैसा देने के लिए ये जो बेरोज़गार हमारे मजदूर हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, और इंशाल्लाह ये भी प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन ये कोशिश ये है कि ये हम वो वक्त गुजार लें जब तक हम लॉकडाउन कम करते जाएं, वो जिस तरह आपको देख लिया कि हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ, डॉक्टर फैसल पूरे जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऑपरेशन सेंटर है, वो हर रोज़ एवेल्यूएट करता है, उसके मुताबिक जा रहे हैं, सूबों को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम देखेंगे हम ये ईज डाउन करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले। कभी भी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो इन तक तो सिर्फ जब तक हम रोज़गार नहीं देते और हम रोज़गार के मौके नहीं फराम करते, जिस तरह कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह इंडस्ट्री है, जिस तरह टेक्सटाइल है, तो तब तक तो पूरी तरह लोगों को ये रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब से तब तक इंशाल्लाह कोशिश करें तक ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मुश्किल वक्त है ये एक पूरी कौम इसका मुकाबला करके जीतेगी। अगर गवर्नमेंट आपको सिर्फ कहती है कि जी अगर आप मस्जिदों में जाना है तो आप अपने अंदर फासले पैदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान तो हम सब का है। अगर हम जैसे जैसे खोलेंगे और हमें खोलना है, जिस तरह ईरान ने खोल लिया, ईरान के हमारे बहुत बुरे हालात हैं, उन्होंने ज़्यादा हमारे साथ से अपने मुल्क को खोल दिया है कारोबार के लिए, और अगर मिस्र इस तरफ निकल गया है तो जाना तो हमने भी उधर है, लेकिन इसकी कामयाबी तब होगी कि अगर कौम मिल के खुद जिम्मेदारी ले, कौम जिम्मेदारी ले कि हमने खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करना है, हमने बचना है, ये बड़ी हमें पता है कि ये तेज़ी से फैलती है जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएँ, तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कि हम हुक्म दें कि जी अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो उनको मस्जिदें बंद कर दें, नमाजी वहाँ जाएं तो पकड़ के उनको जेल में डाल दें। एक ज़िम्मेदार कौम, एक आज़ाद कौम खुद ज़िम्मेदारी लेती है, उसको डंडे मार के वो काम करवाना जो कि उनकी अपनी बेहतरी के लिए है, वो एक ज़िम्मेदार कौम नहीं करती, एक आज़ाद कौम इस तरह नहीं करती। और मैं वही चाहता हूँ कि अपनी कौम हम एक ज़िम्मेदार कौम बन के मुकाबला करें इसका, सब इकट्ठे मिल के इस मुश्किल वक्त से निकलें। मैं आपको अपनी हुकूमत से यकीन दिलाता हूँ कि सारा वक्त हम सोच रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, और इंशाल्लाह मुझे इतमाद है कि अब तक अल्लाह ने हमारे बड़ा करम किया हमारे पे, और जिस तरह हम जा रहे हैं हम वो मुल्क होंगे जो कम अज़ कम करोना से सबसे बेहतरी से मुकाबला करके निकल सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के लिए ये जो लॉकडाउन के असरात हैं इसका हमारे निचले तबके पे, कमज़ोर तबके पे, गरीबों पे ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हुआ है, और हमारी सारी कोशिश ये है कि इनके ऊपर से कम बोझ पड़े। शुक्रिया, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।